हाँ जी सवेर का टाइम ते गल करते हैं अपने ध्यान भी भरावान आ जाओ। हाँ जी कहाँ से हो आप? करनाल जिला। अपना नाम बताइए पहला। चरण सिंह। ठीक है जी, कहाँ से हैं आप? इंद्र के पास राज्यपुर। अच्छा जी, आप कितने लोग आए हैं जहाँ पे? यहाँ से बहुत लोग आ रहे जी। आपके जो आपके गांव जहाँ आप कितने लोगों को साथ लेकर आए? हम 10-15 जी। ठीक है जी, और आ जाएगा एक ट्रेल लिया। कितने दिन हो गए जहाँ पर? यहाँ से 15 दिन हो गए जी। ठीक है जी, जहाँ के हालात के बारे में बताएं, ठंड ठुंड के बारे में। बस हालात तो मोदी की देख रहे बाट। अच्छा, हमारी बात मानना चला कर। मोदी गल क्यों नहीं मानता पिया? मोदी बात क्यों नहीं मान रहा हमारी? मोदी है अंबानी अडानी नहीं मानते दिंदे इन्हे जो जे मोदी है जे पैसा पूसा लेकर बैठा है अंबानी अडानियों के पास में। अरे बगैर पैसे का क्यों हटता है तुड़का? उन्हें घर बनाना अपना सरकार ना। तो मैं बैठा तकरीबन देख रहा हुक्के बारे देखता पिया सीगा, ये बारे मैनू थोड़ी जी जानकारी दो। हाँ जी तुम दियो जी। हाँ जी ओके मां जी, नीचे तो पानी आया समा। एक मिनट जी, कैमरा सेट कर दिए। हाँ बिल्कुल। हाँ जी हूँ दसो जी। नीचे तो पानी आया जी, पानी ऊपर ये केलम रखी इसमें। अच्छा जी, इसमें तम्बाकू रखे जा। अच्छा जी, ये घोट मारा ऐसे पानी बना सूट मार के देख ले। फिल्टर होगा, फिल्टर होगा ये नीचे से फिल्टर होगा पानी बना फिर धुआं। मैंने सुना था भाई हुक्का पानी बंद कर देते हैं भाई हरियाणा में के हरियाणा वालों के साथ जो नहीं बात करते ना जिसके बनती नहीं है उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। हाँ जी हुक्का पानी बंद कर देते हैं। मतलब जिस भाई से बात नहीं करनी ना जिस भाई से हमारी बनती नहीं है उसका हुक्का पानी बंद कर दो। जो हुक्का पानी इसी को कहते हैं ये पंचायत है जी। मतलब जी जेकर एक तरह की सांझी चीज़ है, एक तरह की सांझी जगह है जहाँ पर कोई भी आकर हुक्का पी सकता है। ये हमारे सभी मतलब भाइयों का एक है अभी प्यार है जे कि भाई जे कोई भी इसको पी लवे। पहला है जी, पंचायत है जी, ये पंचायत में इसको कोई भी पी सका आप बैठ का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलावर सिंह है जी। अच्छा जी, जहाँ से आए हुए आप? जिला करनाल, गाँव नरूखेड़ी। कितने लोग हैं आप? हम कम से कम 35 लोग हैं जी। कितने दिन हो गए जहाँ पर? हमने तो जी 20 दिन हो गए सारे। ठीक है। हाँ, 3 ट्रैली हमारी, हमने हलवे का भंडारा लगा रखा, 2 लुवाई ले रहे हैं, 1,00,000 रुपये का सामान हमने दूसरे भंडारे में दे दिया पहले जी जी। कुछ और अब मतलब रूटीन में गांव में से 20 चले जाएं, 20 हमारे गांव से डेली है नहीं जी, कम से कम 8-7 गाड़ियाँ डेली आती हैं और शाम को रात को 9 बजे यहाँ से चली जाती हैं। मतलब समय बांधा हुआ है, मतलब ये नहीं है कि आज लोग थोड़े से लोग आई जा रहे हैं, थोड़े से लोग जाई जा रहे हैं। हमें ज्यादा आ रहे हैं, कम जा रहे हैं जी जी। 30-35 तो रहे हैं जी। अब जो 10 आदमी यहाँ से जाओगे तो उधर से 20 आओगे जी जी। ऐसे ही चाहिए तो ऐसे ही है, क्योंकि सरकार को पता चले ना भी जहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जहाँ पर अपने आदमी छोड़े हुए हैं वो देखते हैं CID वाले भी कितने जहाँ पर कितना इकट्ठ हो रहा है। पहले जो मोर्चा शुरू हुआ था मैं देख रहा था, अभी जहाँ पर हम कितनी दूर बैठे हैं मोर्चे से कम से कम 25 किलोमीटर दूर हैं जी। 25 किलोमीटर दूर कितनी ट्रालियां लगी होगी? दूर तक गिनते नहीं है जी, हम गिन नहीं सकते। अंदाजा तो है 20-25 हज़ार तो बीस आगे भी अपा कई तो हमारे भाई लोग पीछे रुक गए हैं। हम वैसे ऐसे में जो मोर्चे के बिल्कुल पीछे हैं, लास्ट में है, मतलब जहाँ पे शुरुआत है, स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग तो जहाँ से हो रही है मगर पता नहीं सुबह आज सुबह है शाम तक हम बिचकार ना आ जाएं, पीछे से पीछे हो ट्रैली आ जाएं। धन्यवाद है, यहाँ तक आते ही नहीं मीडिया वाले, पीछे तक जाए वो तो है ही, पहुँचते ही नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम सोशल मीडिया पर यही तो बता रहे हैं जहाँ के जो लोगों का असली जो रहन बहन है, क्योंकि जो सरकार है ना वो बता रहे हैं, सरकारी नहीं गोदी मीडिया जो बता रहा है कि ये जो जो धरना है ना ये भी केवल पंजाब वालों का है, ये धरना केवल पंजाबियों का है, हरियाणा 36 बरादरी इसके अंदर सम्मिलित है। अभी तो ये धरना ना पंजाबियों का है, ना हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ये पूरे वर्ल्ड के, ये तो पूरे वर्ल्ड के किसानों का धरना बन गया, वर्ल्ड के किसानों को हो गया। अभी पूरी जो दुनिया है ना, पूरी वर्ल्ड के जो लोग हैं वो इस धरने की तरफ देख रहे हैं, अभी जो भी इसका क्या रिजल्ट निकलेगा जी। आज मीटिंग हमारी जो हमारे मेम्बरान हैं 35-40 जो भी हैं,
उनने जो फैसला ले रखे आज का, हमने पहले भी उनको चार शर्तें अपनी लिख के भेज दी है, जो उनको लागू करेंगे तो देखो आगे कैसे होता है। बिल्कुल, तो धरने का इसका पता नहीं है, ये अभी 6 महीने चलेगा या 2 साल चलेगा, मतलब पूरे इरादे के साथ जब तक हमारी मांग। आपकी तो पूरी तैयारी है ना, जो धंधा कितने दिन तक चलेगा आपकी तो पूरी तैयारी है। हाँ जी, हाँ जी, पूरी तैयारी। हमारे पे तो राशन भी कम से कम सालों सालों का पड़ा अभी भी, और पीछे से आने हम तो मना करें अभी मत भेजो। अगर आपको कोई भी कोई तकलीफ हो रही है, किसी सामान की कमी हो तो बताइए, हम सोशल मीडिया तक बाकी लोगों तक पहुँचाएंगे। नहीं जी, हमारा भाईचारा इतना मतलब प्रेम प्यार में रह रहा है, अगर मेरे पास किस चीज़ की कमी है मैं दूसरे भाई के पास जाता हूँ, मेरे को वहाँ से मिल जाती है। पंजाब वाले से, पंजाब वाले हरियाणा वाले, पंजाब वाले से इतना प्रेम हो गया हमारे में के पहले तो जानते के बारे में भी नहीं पता था पंजाब वाले ने, तो पंजाब वाले भी है ना उसके सुट्टा मारते हैं। मैं खुद पंजाब से हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं, मुझे मैंने सुन रखा था भाई हुक्का पानी बंद कर देते हैं हरियाणा वाले, है ना। लेकिन हुक्का पानी में मतलब एक ऐसी चीज है जहाँ सारे भाई बैठ करके पीते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं आपस में, भाई आगे क्या करेंगे क्या ना करेंगे, कौन सी फसलें करनी चाहिए, कौन सी में हमने फायदा है, ये सब बातें हमारी हुक्के पे चलती है। ठीक ठीक है जी, तो और बताएं कि अभी आगे का क्या प्रोग्राम है। आगे का तो आज की मीटिंग के बाद ही पता लगेगा जी, भाई आज क्या फैसला आता है, सरकार के साथ क्या बातें होती हैं, उसके बाद हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी। नया साल भी आने वाला है, नया साल हमारा यही सड़कों पर गुजरने वाला है मेरे हिसाब से, बाकी हम चाहते हैं अभी हमारा तो फैसला आज ही हो जाए, हमारी शर्तें जो हमने दी है उनको लिख के मान ले, MSP हमारी मतलब कानून में रख दें, और मतलब इनको तीनों कानूनों को काले को वापिस ले लें, बस हमारी तो ये मोर्चा तो हम पहले जीत चुके हैं, जो हमारे भाई लोग हैं पंजाब वाले तकरीबन पहले इसमें अलग अलग तकरीबन यही मैं कहूँगा कि फूट थी थोड़ी सी, कि पंजाब भी अलग थे, हरियाणा भी अलग थे, राजस्थान वाले भाई अलग थे, हर एक पंजाब में तकरीबन मैं देख रहा हूँ 30-40 जत्थेबंदियाँ थी, अभी बहुत सारी एक हो गई, अभी भाईचारा एक हो गया, सारा एक हो गया अभी अभी। लेकिन मोदी के गले में जो वो नहीं, मोदी नहीं मार रहा, उसके बारे में बताया अभी मोदी कैसे मानेगा। तो जी हम मना के छोड़ेंगे, जब तक मोदी नहीं मानेगा नहीं हम यहाँ से उठने वाले नहीं। पहले ये हमारा जो सिंह बॉर्डर है, यहाँ ज़्यादा जनसंख्या थी, आज टिकरी बॉर्डर पे इससे भी 1.5 गुना हमारी हरियाणा और पंजाब दोनों और राजस्थान तक भी वहाँ पर आए हुए हैं, हमारा जो इकट्ठ है वो बढ़ता ही जा रहा है जी। होना भी ऐसे ही हो जाए कि सारा पंजाब और हरियाणा जहीं पर आकर अपना गांव ही बसा ले। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ जी, शायद वर्ल्ड के लोग भी यहाँ आने लगे इस धरने के, उसमें जो हमारे बेटे हमारे भाई जो वहाँ जा रहे हैं शायद वो भी मतलब वहाँ से आकर के यहाँ नहीं आ जाए। कहीं हरियाणा वाले जहाँ पर पक्का बोर्ड ही ना लगा दें भाई, जिसने भी हमारे गाँव वहाँ पक्की पाइप पक्का अपना शिखर लगाने उसके समान आ चुका है। ठीक है, तो सड़ बनाने वास्ते ये यहाँ रखे समान, सड़ बनाने वास्ते किसान मारक रख दिया इस जगह का नाम, जो चौक है दिल्ली अमृतसर से दिल्ली किसान मारक। बिल्कुल, किसी दिन जहाँ से गाड़ियाँ चलती थी, हाँ जी, हाँ जी, आज जहाँ पर कहीं पर जलेबी निकल रही है, कहीं पर जलेबी निकल रही है, कहीं पर कोई लंगर चल रहा है, कहीं पर कुछ बह रहा है, कोई पिज्जा का लंगर लगाकर बैठा हुआ है, कोई किसान नीचे सो रहा है, कोई ये नहीं है कि केले भी जहाँ पर जो बता रहे हैं ना भी, जहाँ पर किसान तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं भाई, जहाँ पर जो किसान है ना हमारे साथ तो सोशल मीडिया पर बता रहा है, ले भी ये किसान लोग रोज सुबह पिज्जे खाते हैं, इनको कौन सी कमी है, पिज्जा खाते हैं, जलेबी खाती है, मेहनत कर रहे हैं, अपना ही है, खाने वाले हम, बनाने वाले हम, हम जो मर्जी करें हमारी जड़, हम बना रहे हैं, हम खा रहे हैं, ठीक है। वो जो वो खाते हैं, अगर हम अगर किसान ने पिज्जा खा लिया तो इससे क्या, इससे क्या बारी बात हो गई, किसान ही अगर पिज्जा बनता है तो जो पिज्जे का जो वो भी हमारे समान से बनता है, हम जमीन पर पैदा करते हैं उससे बनते हैं सारी चीजें, कोई ऐसा और भी सुबह जो नाश्ता लेते हैं नहीं, ये किसान जो है हमारा यही पैदा करके उनके पास जाता है। मैंने तो सुन रखा है जो अनीता अंबानी जो अंबानी की वाइफ है ना, वो तो सुबह उठकर 1.5-2 करोड़ की चाय पीती है, देखी तो नहीं, शायद वो चाय कहाँ से जाती होगी,
जमींदार से जाओ जी, जमींदार से ही जाओ, इस जमीन पे पैदा होता है हर चीज, जिम्मेदारी है, हमारा तो ये कहना सरकार से हमारी मांगे पूरी करो और हम भी घर जावे सरकार भी संतुष्ट होकर बैठे, ठीक है ना। और अब कोई राजी थोड़ी ना यहाँ पड़ के रात न, एक रात रह रुक का देख लो कोई कितनी ठंड है, क्या है क्या ना। वो तो वैसे कह रहे पिज्जा बनावे, जलेबी बनावे, फलाना बना, सरकार की तरफ तय एक भी सुविधा नहीं है भाई साहब, यहाँ कोई पानी का टैंकर हो या लैट्रिन बाथरूम बड़ा रखे हो कोई सुविधा, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, यही जरूर है कि लोहा का प्रसाद चखा, प्रसाद भी खुआएंगे मोदी साहब, हमारे मान जाए तो मोदी साहब मान जाए हलवे के प्रसाद को छोड़े, हम तो जलेबी जो कहेंगे वो खिलाएंगे, अगर वो कहेंगे देसी दूसी चाहिए वो भी उसको पिलाएंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे तो अगली बार पलटा है जी, पब्लिक पब्लिक ही बनाती है, पब्लिक ही करती है, बनाती तो सर पब्लिक, लेकिन लेकिन वो लेकिन आज का युग कह रहा है पब्लिक नहीं बनाती, ईवीएम मशीनें बना रही हैं। हाँ जी हाँ जी, उनमें वो कपला है, ये वो सरकार बनती है ना, वो पब्लिक नहीं बना रही, जो सरकार बनती है वो ईवीएम मशीनों से बन रही है। अगर जितने बड़े देश है ना वहाँ सब पर जो भी जो इलेक्शन होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं, लेकिन इंडिया में इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पर ईवीएम से जो इलेक्शन हो रहे हैं। पहले हम किसान मोर्चा जीते, इसके बाद हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन जो मेन बात थी ना, मेन बात थी कि हमारे भाईचारे की, ये अंग्रेजों के साथ जैसे जैसे अंग्रेज हमारे साथ करते थे ना, इनकी फूट डालो और राज करो, उन्हीं की नीति ये अपना रहे हैं भाई, जैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में करा था नहीं किसानों के साथ, इनकी भी नीति ऐसी है, चल रही है। कभी पंजाब हरियाणा वालों के बीच में दलाल डाल दे भी, एसवाईएल की नहर है जो पंजाब वाले तो बोल रहे हैं कि हरियाणा वाले भाई हमारा छोटा भाई अगर ऐसे ही साथ में चले तो नहर को छोड़ो, हम तो पूरे का पूरा पानी आपको देने के लिए तैयार है, बिल्कुल है जी बिल्कुल है, हमारे जो पांच रोक रहे वो सरकार का डिसीजन है, किसान के हाथ में नहीं है वो पानी देना, पानी देना किसी के हाथ, लेकिन जो भाजपा हरियाणा की भाजपा है, मैं पीछे देख रहा था हरियाणा की भाजपा ने किसानों का जो हरियाणा वालों किसान है उनका ध्यान भटकाने के लिए ना भाई इनके हम फूड डालते हैं उस, उन्होंने एसवाईएल की उन्होंने बात की, ये सरकार की अपनी वो है एक पुलिस राजनीति जो भी है वो, हमारे पंजाब में क्या होता है पूरे साल बात नहीं करते एसवाईएल की, 5 साल बात नहीं करते, जिस दिन इलेक्शन होती है ना उस दिन इनके झोले से एसवाईएल भी निकल आती हैं और भी मुद्दे निकल आते हैं, पूरे साल क्या कहां पर होते हैं किसी को कुछ नहीं पता, भी इतने मुद्दे हैं क्या हो रहे हैं, लोग जहां पर भूखे मर रहे हैं, नोटबंदी से कोरोना का जो लॉकडाउन लगा उससे इतने लोगों की नौकरी गई उससे कोई बात नहीं हो रही है, मोदी साहब अभी भी बस ध्यान ही भटका रहे हैं, ये सरकार का काम है ना जो जो एक उस पर कास्टिज्म पे एक धर्म के नाम पर राजनीति करने का, यह सरकार कभी भी मुद्दे की बात नहीं करती, बेरोजगारी, एजुकेशन, मेडिकल, 370 से आम नागरिक को क्या मिलता है, आम है जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली था, खाने को थोड़ी देती है हमारे को, 370 है, राम मंदिर है, हर बंदे के घर में राम मंदिर है, वहाँ भी वो उस जिसकी आस्था है वहाँ तो पूजा कर सका, उसका एक आम नागरिक ना क्या फायदा है। तो पुलवामा में जहाँ अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो वो तो भाई गलती है भाई हमारी फौज की भाई, अगर ये ही जगह जब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो बताते हैं ये तो भी मोदी ने की है, ये हमारे जवानों ने नहीं की, वो उसे हमारे सामने इस तरह से रखते हैं भी मोदी है जो भी करता है भाई मोदी है, जो मोदी तो भगवान का रूप बनकर आ गया, मोदी लड़ने थोड़ी गए हैं वहाँ, जवान ही गया है, और ये मीडिया ने बनाया उसको जो बनाया, लेकिन अगर जो मीडिया सच दिखाए ना कुछ नहीं है मोदी, गोदी मीडिया तो अभी भी ये भी बता रहा है भाई जो भी जहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये लोग किसान थोड़ी हैं, जो हम लोग हैं जो हम लोग किसान थोड़ी हैं, हम लोग तो भाई आ गए हैं जो बेले हैं, जो भी काम नहीं है किसी को वोट कर जहाँ पर आ गया है ना, कोई किसी को काम नहीं है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जे नक्सलवाद है, जा जे आतंकवादी है, पंजाब बोलो पंजाब वालों के ऊपर तो पक्का ही दब्बा लगा हुआ है 1980 के बाद में जी, कोई भी अगर अपना हक मांग ले तो जे जी खालिस्तान है, ये मान ले जो ये बोल रहे हैं ना जो भाई खालिस्तान है ये है वो है, इंसान तो है ना, मान ले सरकार को ये देखना चाहिए 3-4 डिग्री टेम्परेचर में रात को सो रहा है, कोई भी सरकार का कोई भी नेता सो के दिखाए अगर किसी में, मतलब मेरा चैलेंज है रात को, मेरे को पता है किसान कैसे सो रहे हैं सर्दी में, और रही बात पंजाब के बारे में, इतनी साहसी कौम है कोई कर नहीं सकता, मान ले इतने दिन
कोई बंदा भूखा नहीं रह रहा जो यहाँ पे गरीब है झुग्गी बस्ती में रह रहे उनके लिए एक उससे त्यौहार से अच्छी बात नहीं है। ये लंगर जो है जो जो लंगर है कल्ला अकेले किसान नहीं खा रहे हैं, जो लंगर है कल्ला किसान नहीं खा रहे हैं। मैंने देखा जितने भी आसपास के लोग हैं जो बहुत लोग पेट भर रहे हैं, आंदोलन रोटी के लिए कर रहे हैं और रोटियां खिला भी रहे हैं। अगर 20 अगर इस धरने में 20% जो लोग हैं वो किसान आए हुए हैं तो जो 80% के लोग जो आसपास के हैं जो गरीब परिवार है उनका भी पेट जो है कि वो किसान भर रहे हैं, किसान भर रहे हैं, उनको काफी अच्छा महसूस हो रहा है, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि मिले उनके लिए तो एक फेस्टिवल की तरह है। लेकिन किसान बहुत परेशान है, तंग है, मजबूरी में पड़ा, कोई खुशी से नहीं पड़ा, कोई अपने बाल बच्चों को छोड़ के आ रहे, अपने खेत को छोड़ के आ रहे, सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। यहाँ कोई यहाँ आए नहीं है तो अपने हक के लिए आए हैं। आखिर में कुछ किसा कहना चाहते हो आप? यही है, हमारी मांगे पूरी करें, हम बिगड़ जाएँ, बाल बच्चे हैं सबके, भाई हैं, फैमिली है सबकी, मजबूरी में पड़े हैं, ठंड पड़ती है रात को, हम कोई पता है कैसे यहाँ रात गुजारी जाती है और दिन में कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं। जो बोले सोनिहार।